हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सिविल साइन राइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 42 बाई 36 फुट का एक हाउस प्लान। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के प्लान है, जिसे एक्चुअल में बनाया गया है 42 बाई 27 फुट में, 9.5 फुट ओपन स्पेस छोड़ा गया है। तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको इसमें मिलते हैं 2 शॉप और 1 BHK का एक सेट। इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलते हैं 4 BHK का एक बेहतरीन सेट, साथ में ओपन टेरेस। तो ये प्लान हम आपको बहुत अच्छे समझाएंगे, समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिविल साइनाइट। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। फ्रंट में 9 फुट 4.5 इंच वाइड ओपन स्पेस छोड़कर इसको बनाया गया है। यहाँ से अंदर आएंगे, आप देख सकते हैं फ्रंट में ही 2 शॉप दी गई हैं। 10 बाई 10 की ये वाली शॉप है, 12 बाई 10 की शॉप है। इन बीच में से एंट्री दी गई है। अंदर जाने के लिए 4 फुट एक पैसेज मिलता है आपको, जिसकी एंट्री होगी हमारी लिविंग हॉल में। तो जब यहाँ से अंदर आएंगे, आप देख सकते हैं इसमें प्राइवेसी के लिए थोड़ा सा एक चेंजेस भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जब यहाँ से अंदर आते हैं तो लेफ्ट साइड में एक ड्राइंग रूम दिया गया है, 10 बाई 14 फुट का एक ड्राइंग रूम है। एंट्री यहाँ से है। ड्राइंग रूम में कोई डोर नहीं लगाया गया है, ओपन रखा गया है इसको। और इसी के जस्ट सब्सिक्वेंट एक स्टेयर केस दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर आप यहाँ से जाएंगे, सामने से एंट्री होगी, घूमकर ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाएंगे। तो कुछ सामान वगैरह लेके जाना है तो उसके लिए ईजी पड़ेगा, सीधा सीधा ऊपर जाके अपना आ सकते हैं। राइट साइड में जब जाएंगे तो हमारा जो एंट्री होगी वो लिविंग एरिया में होगी। आप चाहें तो यहाँ पर भी एक डोर प्लेस कर सकते हैं, आपकी सुविधा अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोई डोर नहीं दिया गया है। लिविंग एरिया में आपकी एंट्री होगी, 15 बाई 14 फुट का एक लिविंग हॉल आपको मिलता है। आप देख सकते हैं इस कॉर्नर पर अगर आप सोफ़ा प्लेसिंग करते हैं और इस तरफ एक छोटा डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। शॉप वाली वॉल पर आप टीवी कंसोल लगा सकते हैं। यहीं पर एक साउथ ईस्ट के कॉर्नर पर किचन दिया गया है, 8 बाई 9 फुट 1.5 इंच का एक किचन है। किचन में डोर लगाया गया है, आप चाहें तो इसे ओपन रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको किचन मिलता है। किचन के सब्सिक्वेंट एक टॉयलेट दिया गया है एज़ पर रिक्वायरमेंट। इस टॉयलेट को यहाँ पर दिया गया है, 8 बाई 4.5 फुट का ये टॉयलेट होता है। आप इस टॉयलेट को चेंज करना चाहते हैं तो स्टेयर केस के बगल में दे सकते हैं, क्योंकि 14 फुट मीन्स 15 फुट का ये लिविंग हॉल है। तो 4 फुट का टॉयलेट देंगे तब भी आपके पास 10.5 फुट का करीब स्पेस मिल जाएगा। तो फिलहाल ये टॉयलेट यहाँ दिया गया है, 8 बाई 4.5 फुट का टॉयलेट है। वेंटिलेशन के लिए क्या किया गया है, अपनी प्रॉपर्टी में से पीछे 1 फुट कुछ स्पेस छोड़ा गया, आप देख सकते हैं पीछे। जैसे कि आप 9 फुट आगे छोड़ रहे हैं तो कुछ स्पेस पीछे छोड़ सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट में एक बेडरूम दिया गया है, 13.5 बाई 10 फुट का ये बेडरूम है। एंट्री यहाँ से है और फ्रंट में विंडो लगाई गई है। तो मीन्स प्लॉट साइज़ काफ़ी अच्छा था, मोर देन 1200 स्क्वायर फीट था, लेकिन उसके बाद भी फ्रंट में इतना स्पेस ओपन छोड़ने के बाद भी ग्राउंड फ्लोर पर आपको 1 बेडरूम का एक सेट मिल जाता है, जिसके लिए आपका ड्राइंग रूम है जो बिल्कुल सेपरेट आपको मिलता है। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान था दोस्तों। आइए इसके फर्स्ट फ्लोर को देखते हैं। आपके सामने फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। सीढ़ियाँ चढ़कर जब ऊपर आएंगे तो एंट्री होगी हमारी इस पैसेज में। पैसेज के थ्रू ही हम सारी चीज़ों को एक्सेस करेंगे। आप देख सकते हैं साइड में जो ड्राइंग रूम था, यहाँ पर 4 फुट का पैसेज छोड़ने के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया है एक स्मॉल बेडरूम में। 10 बाई 9.5 फुट का ये बेडरूम मिलता है। तो मीन्स एज अ गेस्ट बेडरूम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 फुट का ये जो छोटा सा स्पेस आपको मिलता है, आप यहाँ पर बना सकते हैं छोटा सा स्टोर रूम या गेस्ट बेडरूम के लिए एक छोटा टॉयलेट बना सकते हैं, जिसके वेंटिलेशन फ्रंट ओपन में लग जाएगा। यहाँ पर एक शॉप थी तो यहाँ पर एक ओपन टेरेस दिया गया है। काफ़ी बड़ी बालकनी का यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। फ्रंट में 3 फुट वाइड एक प्रोजेक्शन लिया गया था ग्राउंड फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर एज बालकनी ये काम करेगा। थोड़ा सा बदलाव किए गए हैं, शॉप के ऊपर जो है एग्जिटेज बेडरूम नहीं लिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं स्टेयरकेस के सामने एक बेडरूम लिया गया है, 12 बाई 10.5 फुट का ये बेडरूम आपको मिलता है। फ्रंट वाली वॉल को 4.5 इंच कर दिया गया है, ताकि लोड ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, वॉल का लोड ना आए। बेडरूम की पोजीशन आप देख सकते हैं। बेड लगाने के बाद एक यहाँ पर आपको वार्डरोब मिलता है। इस बेडरूम के साथ एक टॉयलेट को भी अटैच किया गया है, 4 बाई 10.5 फुट का ये टॉयलेट आपको मिल जाता है। आप चाहें तो बालकनी में भी एंट्री ले सकते हैं। इस बेडरूम के थ्रू एक बालकनी में एंट्री दी गई है, और अगर इसे क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर सिटिंग एरिया या स्टडी टेबल आप लगा सकते हैं। लिविंग हॉल एज इट इज़ है। जहाँ किचन था उसके इंस्टीट एक बेडरूम आ गया है, 8 बाई 9 फुट 1 इंच का। टॉयलेट कॉमन था, एज इट इज़ है, और ये वाला बेडरूम भी एज इट इज़ रहेगा। तो इस वाले फ्लोर पर आपको मिल जा रहे हैं टोटल 4 बेडरूम, 2 टॉयलेट, ओपन टेरेस है, और लिविंग स्पेस आपको ऐसा ही मिलता है जैसे ग्राउंड फ्लोर पर था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्लान आपको समझ आया है और बहुत ही पसंद भी आया होगा। इनकेस अगर आपके प्लॉट का साइज डिफरेंट है या कुछ अलग तरह की प्लानिंग आप करवाना चाहते हैं, आपके डिस्प्ले पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहे हैं, आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी इफेक्टिव प्राइस में हम आपके लिए बहुत ही अच्छा हाउस प्लान और एलिवेशन लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमने काफ़ी अलग अलग तरह के हाउस प्लान को अपलोड किया है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है दोस्तों, तो वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे हाउस प्लान बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे।
बहुत ही लो प्राइस में एक्चुअली, क्योंकि नए नए वेबसाइट है तो काफ़ी सारे ऑफर्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस प्लान के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। प्लान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के नए नए बेहतरीन हाउस प्लान और एलिवेशन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।